सेफ लग रहा है, सब सेफ लग रहा है, सब सेफ लग रहा है। जल तू जलाल तू आए भला को टाल तू, जल तू जलाल तू आए भला को टाल तू, जल तू जल... माफ करना, आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी चाल लिए बदली बदली सी क्यों लग रही है। जो आज यहाँ आ रहे वो ऐसे वैसे लोग नहीं है, जिस घर की चौकट पर इनका कदम पड़ता है उनकी खुशियों पर अमावस छा जाती है। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं खलनायिकाओं की, जिनके आने से परिवार में मातम छा जाता है, रिश्तों में जहर घुल जाते हैं, दुखों के सैलाब आ जाते हैं। लगता है आ गई। अली भाई आपने हमारी कितनी तारीफ की, ऐसा लगा कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि भिगा के जूता मर रहे। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इतने में ही खुश हो गई, वरना मैं तो आपकी तारीफ में ये भी बोलने वाला था, वैसे तो बिल्ली के रास्ता काटने पे अपशगुन होता है, लेकिन अगर आप बिल्ली का रास्ता काट दो तो बिल्ली के घर में अपशगुन हो जाता है। अरे पर आज तो हम ये सब भुला कर आए हैं। सच्ची वो क्या है नाली भाई जी, यूं तो हम हमेशा दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, लेकिन आज ना हम खाने में अपना प्यार घोलने आए हैं अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे जजेस के लिए। अपने हाथों से निवाले खिलाएंगे आज हम उन्हें, क्यों अली? वैसे तो हर चीज में हड़पती आई हूं, लेकिन आज इन प्यारे प्यारे जजेस का दिल लड्डू से और मेहनत से जीतने वाले है ना। लगता है आज सूरज पूरब में डूबा था, सब कुछ इतना उल्टा पुल्टा, तो ज्यादा देर नहीं करते, कहीं इनका मूड बदल ना जाए, तो शुरू करते हैं डावर आमला है रॉयल प्रेजेंस किचन की जंग दंगल फैमिली के संग, को पावर्ड बाय कैच मसाले, एसोसिएट स्पॉन्सर डावर हनीडास। आज किचन की जंग में है एक तरफ नायिका जोड़ी मोहिनी और रंबा, जिनको टक्कर देगी दूसरी खलनायक जोड़ी गौरी और ललिता, और इनकी जीत हार का फैसला करेंगे हमारे दिग्गज जजेस सोमांश और कोरांगी। हेलो हेलो हेलो, वैसे आज अदिति कहीं नजर नहीं आ रही। अरे क्या पार्किंग नजर है आपकी, पकड़ लिया आपकी, अदिति नजर नहीं आ रही है। अदिति आज नजर नहीं आएगी, और अदिति नजर क्यों नहीं आएगी ये बात अदिति खुद आपको बताएगी। नमस्ते अली भैया, हेलो गुरांगी, हेलो सुमांश और प्रणाम। आई एम सॉरी अली भैया, मैं आप सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, पर मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा कल एग्जाम है, तो मुझे आज उसकी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपने दिल का लड्डू किसी को दूं ही ना। अली भैया आप हमेशा चोरी चुपे खाना खाते हो ना, आज आप दिल खोल के खा सकते हो क्योंकि मैं अपने दिल का लड्डू आपको देती हूँ। आपको जिसका भी खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा आप उसको मेरे दिल का लड्डू दे सकते हो। चलो बाय बाय, मुझे ना भी पढ़ाई भी करनी है। अदिति थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, और मैं वादा करता हूँ कि इस जिम्मेदारी को मैं बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा। अच्छा जी, मैं आपको शो का फॉर्मेट बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि यहाँ तीन राउंड होंगे, और तीन राउंड के बाद जो परिवार सबसे ज्यादा राउंड जीतेगा उसे मिलेगा स्वाद के सम्राट का खिताब, और वो चमचमाती ट्रॉफी। अर्ज किया है इंसान, पति ने कहा बीवी से आगे से कुत्ता नहीं सिर्फ साला ही कहूंगा तेरे भाई को, अब नाराजगी छोड़ हंस दे। हमारे पहले राउंड का नाम है मोहे रस दे। चलो चलो रस दे।
देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज तक आपने परिवार वालों के आंसू निकाले हैं, खून भरे आंसू, खून भरे आंसू, लेकिन आज यहाँ आपको रस निकालना, सिर्फ जूस निकालना। हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों सेटअप लाओ। आपके सामने है संतरे और जूस निकालने की मशीन। आपको अब करना क्या है, आपको इनका रस निकालना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा रस देना है। इसके लिए आपको मिलेंगे 1.5 मिनट और जो टीम निकालेगी सबसे ज्यादा जूस वो जीतेगा ये राउंड और उनको मिलेगा जजिस का दिल का लड्डू। तो टीम जूस निकालने के लिए तैयार? यस बिल्कुल। ओके विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 3, 2, 1 गो। सदस्य नंबर 1 और डाल 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 मोहिनी जी क्या बताऊं, आप लोगों का खौफ इतना है कि आप लोग अगर बड़ी आंखें करके संतरे को देख लेंगे ना तो संतरे का जूस अपने आप निकल जाएगा। क्या बात है, अई शाबाश, अई शाबाश, रुके नहीं, थमे नहीं, क्या बात है। दोनों से करना पड़ेगा। ये हत्ता तो नहीं खुल जाएगा। बाप रे, क्या दम ले रखा। क्या बात है गौरी जी, इन्होंने इतनी जोर से घुमाया है कि संतरे का अंतरा भी नहीं बचा। गौरी जी हाथ जा पकड़। ओके okay. अरे अगला टास्क करने के लिए हाथ में जान बचेगी कि नहीं? अरे मैंने बोला तोड़ दिया। लो लो मैं जल्दी लगा देता आपके लिए। अरे नहीं टाइम निकल जाएगा। अरे शाबाश। अरे कैसे कर। ओहो अरे चल तू। मैं वो भी उधर ए फूल हो बना। जिंदगी में आज तक इतने डिफिकल्ट डिसीजन लेने के लिए मैं कभी ऐसे सिचुएशन में कभी फंसा नहीं। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन, मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन जीता है कौन हारा है। मेरा मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं चाहूंगा कि ललिता जी, हाँ जी, आप इधर आइए। गौरी जी आप भी इधर आइए। आप लोग आइए इधर आइए। आप इधर आ जाइए। मैं थक गया, मैं हार गया, आई क्विट, मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। आप लोग ही बताइए क्या लगता है कौन जीता है कौन हारा है। यही तो हमारा आइडिया था कि आप क्विट कर जाओ। इट्स सो सिंपल। ये लोग जीते और हम हारे क्योंकि हमारे घर में 10 नौकर आके काम करते हैं। हम ये रोज रोज नहीं करते, ये बेचारे रोज करते हैं। सो दे आर यूज्ड टू इट। तो बिल्कुल साफ है। साफ ये है कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे जो समझो वो। हम मिश्रा जी से कहेंगे इन दोनों को हमारे घर में काम के लिए रख ले। ना ना खरीद ही नहीं पाओगे, बहुत महंगे हैं क्योंकि हम 206 साल की चुड़ैल। इसने कुछ इसने किया ही कुछ चुड़ैल के लिए। खलनाई काऊ के खलनाई काऊ के तेवर बाहर आने लग गए। नहीं 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 कौन सी खलनायक जोड़ी जीती है मैं आपको बता दूं। ये तो आप समझ गए हैं, जो जोड़ी जीती है वो है मोहिनी एंड रंबा। थैंक यू। और हमारी प्यारी अदिति की तरफ से दिल का लड्डू मैं दे रहा हूं। अदिति योर लड्डू टू द विनिंग टीम। ये लो दूध की बॉटल दीजिए ना। अरे पकड़िए ना। और ये झुंझुना ले लीजिए। लो ना, क्योंकि वो क्या है ना कि जिस तरीके से हमने आपको हराया उससे ये पता चल गया है अली जी कि ये हमसे ऐसे खेल में तो जीत नहीं सकते लेकिन इनसे खिलौनों से जरूर खेल सकते हैं, दूध पी सकते हैं, क्योंकि इस खेल में तुम अभी बच्चे हो और हम हैं तुम्हारे बाप। बच्चा समझने की गुस्ताखी मत करना हमें। वो क्या है ना, संतरा नहीं, हम आदमी निचोड़ने में माहिर हैं और इस संतरे की तरह ना तुम्हें भी निचोड़ कर रख देंगे अगले राउंड में।
कदम्बा सुनो मेरी बात, अब संभाल के रहना। आपने जूस तो निकाल दिया है, ये पसीना ना निकाल दे तो इससे पहले कि जोश और जुनून ठंडा हो जाए, हम शुरू करते हैं अपना दूसरा राउंड। तो मैं बता दूं, हमारे खलनायिकाओं का खौफ इतना है कि काली बिल्ली भी डर से नहीं काटती इनका रास्ता। हमारे इस राउंड का नाम है दास्ताने नाश्ता। और मैं आपको बता दूं, इस राउंड के लिए आप दोनों टीम्स को मिलेंगे सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में आपको नाश्ता बनाना है। आर यू रेडी? चलो देखिए, 3, 2, 1 नाश्ता। मोहिनी जी और अंबा जी, क्या बना रहे हैं आप लोग? अली भैया, आज हम बना रहे हैं झटपट नूडल्स। झटपट नूडल्स? नूडल्स खबर मिली है कि नूडल्स बन रहे। हमारे दर्शकों को इसकी सामग्री और विधि भी बता दीजिए। मैं मसाले वाले झटपट नूडल बनाने वाली हूँ, मतलब हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें मैंने चीज भी रखा है। प्याज है, मिर्ची है, पेरी पेरी का मसाला है, टमाटर है, मटर है। ओके। तड़का लगेगा मक्खन मार के। पेश किया जाएगा जजेस को। जजेस एक्साइटेड है। जल्दी जल्दी बनाइए और जल्दी जल्दी से हमें इसकी विधि भी बताइए। हाँ, पहले मैं इसमें तेल डालूंगी, उसके बाद में इसमें प्याज डालूंगी, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर, फिर आए मटर, फिर इसके अंदर मैं ये झटपट नूडल डालूंगी, और जब वो थोड़े से उबल जाएंगे उसके ऊपर से रंबा मसाले डालेंगी। यस। आपने ये झटपट नूडल बनाना क्यों डिसाइड किया? मेरी जो मौसी है ना, उनको बड़ा शौक था खाना बनाने का। उन्होंने बहुत सारी डिशेस सीखी बनानी, और शायद उनका ये सारी डिशेस, जब वो जवान थी, शादी नहीं थी, तो उनका शायद मोटिव ये था कि मैं अपने बच्चों को ये सारी की सारी चीजें, जो माएं सोचती हैं कि हम अपने बच्चों को ये खिलाएंगे, तो शायद उनका भी यही मोटिव था कि मैं अपने बच्चों को डिशेस बनाऊंगी। अफसोस कि उनके बच्चे नहीं है, लेकिन हम, मैं और मेरा भाई, जब भी मौसी के पास जाते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नई डिश बना के हमें खिलाती है, ऐसे समझ के कि बच्चों ने खा लिया उन्हें। तो आज ये जो इंस्पिरेशन है ना, ये मैंने अपनी मौसी से ही सीखा था। जब हम बोलते थे कि बहुत तेज भूख लगी, कुछ दे दो, तो वो हमेशा ये झटपट नूडल बनाती थी। मौसी जी, मुझे पता आप जरूर देख रही होंगी ये टेलीकास्ट अभी, और ये आपके लिए। क्या बात है, तो मतलब ये डिश जो है आप अपने मौसी जी को डेडिकेट करते हैं। मैं तो रुक नहीं सकता, और मेरे से ज्यादा आपको बता दूं, ये लो रंबा। जजेस के मुंह देखिए कैसे हो गए बेचारे। बस 5 मिनट में बन रहे, जब तक मैं वहां सामने देखकर आता हूं। ललिता जी और गौरी जी। हां जी, क्या चल रहा है? पेटिस पक रहा है। पेटिस, वाह। ललिता जी, हमारे दर्शकों को जल्दी जल्दी से इसकी सामग्री भी बता दीजिए, और उसके बाद विधि। देखो, नूडल्स तो बाद में आया, आलू की पेटी तो हमारी नानियां बचपन से बनाती थी कि नहीं बनाती थी। हाँ, तो ये आलू की पेटीज है, इसको हम ब्रेड के अंदर डालेंगे और इसको बनाएंगे अच्छा सा बर्गर, और उसके लिए, और रिएक्शन तो मेरे बच्चों को भी बर्गर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं बना रही हूँ। बहुत इजी है ये। ये आलू बॉईल किया मैंने, उसके अंदर अनियन, लहसुन, गाजर, ये सब डाल दिया, मिक्स कर दिया, और ये ब्रेड क्रम्स है ताकि वो कड़क और सॉलिड हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। और बस इसको हम तलेंगे, और जैसे गैस रेडी हो जाएगा, हम इसके अंदर मेयोनीज, चटनी और अनियन और ये लगा के रेडी। क्या बात है, अभी जितना पानी आ रहा है ना। गौरी जी। जी। अच्छा गौरी जी, आप ये बताइए कि आपने ये बनाना डिसाइड क्यों किया? इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरी और प्यार भरी लंबी दास्तान है। अरे, तो प्यार की बातें तो सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, बोलिए ना, शुरू कीजिए। देखिए, ऐसा है ना कि हमें बचपन से ही ना बर्गर और ये फास्ट फूड, ये सब खाना बहुत पसंद था, लेकिन मम्मी पापा खाने नहीं देते थे, बाहर कहते थे बीमार हो जाओगे, अनहाइजीनिक हो सकता है। इसलिए उन्होंने ना
बड़े प्यारे होते हैं वैसे मम्मी पापा। देखो हमें कभी ये सब खाने से रोका नहीं, लेकिन हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए ना बेचारों ने खुद ये बर्गर पैटीज ये सब खुद घर पे बनाना सीख लिया। और हमेशा बचपन से ना हमारे लिए ये किड स्पेशल वाले बर्गर घर पे बनाते थे ताकि मैं और मेरी बहन खा सके, और इसीलिए आज वही रेसिपी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपने इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे जजेस के लिए। देखते हैं अब तो देखना पड़ेगा किसका नाश्ता जल्दी बनता है। क्या है कि खलनायक को खलनायक बनाती है उसकी बुलंद आवाज। इनकी हंसी में भी इतना खौफ है कि सामने वाले का तो दिल दहल ही जाता है। तो आज हमारी दोनों टीम्स की खलनायिका उसी खौफनाक आवाज में गरजेगी, लेकिन कुछ अलग ढंग से। अलग ढंग मतलब? अलग ढंग का मतलब ये है कि मैं आपको स्पेशल गुब्बारे दूंगा। ओके। आपको करना क्या है, उन गुब्बारों की जो हवा है ना उसे आपको पीनी है। तो हम शुरू करते हैं। ललिता जी मैं बहुत डरता हूँ आपसे, सच। तो आपसे शुरू करते हैं, इसके अंदर इनहेल करूं। इनहेल करके हवा अंदर लेनी है और उसके बाद आपको डायलॉग बोलना है, वही आपको आग उगलनी है अपने अंदाज में। ललिता जी को चीयर करते हैं। तुम्हारे रिश्तों में नफरत की जहर कौन होगी? मैं भी भागूंगा। मोहिनी जी आपके लिए, आपको पता है क्या करना है? ठीक है आप आ रही है गौरी। गौरी जब शिकार पर निकलती है तो हर दिशा से वार करती है, ऐसे बर्बाद करती है कि बर्बाद ही तुम्हारी हालत बच्चा रख जाती है। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मुझे बर्बाद करो, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी की ऐसी काया पलट दूंगी कि अगली 100 पुश्तें याद रखेंगी। पहली बार खलनायिका की आवाज सुन के डर नहीं हंसी निकली। अगर सच में खलनायिका की आवाज ऐसी हो जाए तो तुम्हारा हीरो तुमसे बदला लेने नहीं आएगा, तुम्हें चॉकलेट देने आएगा। आया क्या? मैगी खाओगे क्या? आया? देखो रंबा जी। नहीं नहीं आप रंबा बोल सकते। क्या है अगर मैं आपको ऐसे जी नहीं बोलूंगा और चिपकली ने काट लिया तो? मेरे को लगा भी अब ऐसे लपट लोगी मुझे। अच्छा मैं ये क्या कह रहा था आपसे कि एक्चुअली ना मैंने कभी चीटिंग नहीं की आज तक इस शो में, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे बच्चों को तुम्हारा शो बहुत पसंद है। बहुत बहुत मतलब इतना पसंद है कि क्या बताऊँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक टिप देना चाहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी भी टाइम है, ये डिश बदल दो। क्या है नूडल जो है ना वो घर बैठे बैठे भी बन जाता है, लेकिन अगर बर्गर खाना है ना तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, और तुम तो जानती हो बाहर का खाना बच्चों को क्या हमें भी कितना अच्छा लगता है। लेकिन मेरे भैया गोल गोल अली भैया ये नूडल्स ना आम नूडल्स जो होते हैं ना बच्चे वो खा खा के ना बोर हो चुके हैं। अच्छा लेकिन जो मैं नूडल्स बनाने वाली हूँ इसमें मैं एक खास जादू करूंगी। खास जादू? हाँ मतलब? और ये जादू मेरा नहीं होगा, ये कैच पेरी पेरी मसाला का होगा। पेरी पेरी मसाला? हाँ भैया आप देखना, ये कैच पेरी पेरी मसाला डालते ही नूडल्स बन जाएंगे जिंगी और चटपटे। जिंगी और चटपटे? यस। डालो। देखो। डालो तो सही। और ये बहुत खास है, इससे ना हर रेसिपी में जान आ जाती है, एक अलग फ्लेवर ऐड हो जाता है। और एक और सीक्रेट बताऊं मैं आपको? हाँ, हाँ। ये पेरी पेरी मसाला ना इतनी सारी डिशेस में यूज हो सकता है कि मतलब जैसे कि फ्रेंच फ्राइज,
मोमोज, इवन जो नॉर्मल खाना होता है ना, इंडियन खाना, उसमें भी आप यूज कर सकते हो. अच्छा, मल्टीपर्पज. क्या बात है. कैच पेरी पेरी मसाला से हर रेसिपी में आ जाता है जुबान पे रुक जाने वाला फ्लेवर. आ मुझे तो लगता है कि पूरी प्लानिंग करके आई हो तुम. सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जजेस के दिल का लड्डू तुम लोग ही ले जाओगे. अली भैया आप भी ट्राई करना हर खाने की जान ये कैच पेरी पेरी मसाला, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता, नई नई डिशेस से भी सभी को अपना दीवाना बनाना भी होता है. बिल्कुल, मैं तो हो ही गया दीवाना. तो खलनायिका के तेवर तो देख लिए, अब इनके खाने का स्वाद चखने की बारी है. जल्दी जल्दी फटाफट खत्म कीजिए, आप भी जल्दी जल्दी प्लेटिंग कर दीजिए. काउंट डाउन बिगिंस. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बस रुक जाइए. It's the tasting time. दोनों teams अपने अपने नाश्ता तैयार कर लिया है. Now it's over to judges. और इत्तेफाक से आज मैं भी एक जज हूँ. तो हम शुरू करेंगे टीम गौरी एंड ललिता से. ओके, जज समाज आपसे. यस. मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ. अरे इरशाद, आपकी खूबसूरती ने जहाँ पे सबके दिलों में डाल दिया डाका है. आपकी खूबसूरती ने यहाँ पे सबके दिलों में डाल दिया डाका है. क्या मस्त नाश्ता बनाया यार, बर्गर एकदम धमाका है. जज कुरांगी, बहुत ज्यादा यम्मी है. अंदर की जो फीलिंग है, मेयोनीज, केचप, टिक्की, गाजर मूली ककड़ी जो भी डाला है आपने, बहुत है. अब बात है हमारे अली लगे के लिए. वेरी नाइस, वेरी नाइस, पर आपकी खूबसूरती से ज्यादा नहीं. आए आए. अब बढ़ते हैं रंभा और मोहिनी की ओर. मैं सच में बोर हो गई थी घर का खाना खा खा के, और यहाँ पर जो आपने चीज वाली नूडल्स बनाए हैं ना, मेरा तो दिल जीत लिया इसने. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अब बढ़ते हैं जज सुमांश की तरफ. एक बात बताओ. हाँ पूछो. क्या इसमें जादू है क्या आपके हाथ में? जादू तो है उसके पास, चुड़ैल है वो. क्या बनाया, क्या खाना बनाया आपने? थैंक यू. बारी है जज अली भैया की. चॉकलेट नहीं खा रहा है, नूडल्स खा रहा है. एक्चुअली ऐसे लग रहा है जैसे मैं दार्जिलिंग में कहीं बैठ करके. ओके, अब देखते हैं हम, मतलब हम सब मिलकर किसे दिल का लड्डू देते हैं. हम शुरू करेंगे पहले जज कुरांगी से. मेरे दिल का लड्डू जाता है इनको, गौरी इनको. थैंक यू, थैंक यू. अब बारी है सुमांश बाबू की. जज साहब, सो मेरे दिल का लड्डू जाता है मोहिनी दीदी और रमा दीदी. तो अदिति का दिल का लड्डू जाता है मोहिनी और रंबा टीम ने जीता है सिर्फ एक दिल का लड्डू, और गौरी और ललिता टीम ने जीते हैं
दो दिल के लड्डू तो दास्तान नाश्ता के विनर है गौरी और ललिता जी। थैंक यू। ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए, ये लीजिए घड़ी, लीजिए लीजिए आप ही के लिए है। इस घड़ी का हम क्या करेंगे? और ये गलत टाइम बता रही है। तो वैसे भी तुम्हारा कौन सा सही समय चल रहा है? बंद घड़ी भी ना दिन में दो बार सही टाइम दिखाती है कि नहीं? लेकिन हम तुम्हारा सही टाइम आने शुरू कर दिया। वैसे याद दिला दे, हम शेर हैं। ऐसा पंजा मारेंगे अगले राउंड में कि जब भी अपना शीशे में मुखड़ा देखोगे तो हमें याद करोगे। अरे 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 अरे, जंग से बाज जंगल तक पहुंच गई है। इससे पहले कि ये जंगल में आग लगाए, इनसे चूल्हा जलवाते हैं। लप्पू से होते हैं बॉयफ्रेंड, लेकिन सहेलियां लड़ती है आपस में, मेरा वाला है अनोखा, मेरा वाला है अनोखा। हमारा अगला राउंड है छौके का आखिरी मौका। इस राउंड में आपको मिलेंगे खाना बनाने के लिए सिर्फ 45 मिनट, 45 मिनट। तो आज हम देंगे आपको एक खास सामग्री जिससे आपको खाना बनाना है। तो मैं मिलवाता हूं आपको उस सामग्री से। सामग्री पेश किया जाए, फटा पोस्टर निकला सामग्री। ओह सी, इट्स स्वीट, इट्स गुड, शक्कर एंड हनी, गुड से मीठा। ए सुनिए, ये सब मीठी मीठी चीजें, हमको इतनी मीठा से अच्छी नहीं लगती, थोड़ी कड़वाहट होनी चाहिए। देखिए क्या है मोहिनी जी, आज बच्चे हैं, बच्चों का दिल जीतना है तो थोड़ी मिठास तो होनी चाहिए ना, इसीलिए प्लीज मैनेज कर लीजिए किसी तरह, बच्चों के खातिर। बस आपकी खातिर। दिल पे मिठास रख लीजिए। हाँ रख लिया। ओए, तो गौरी और ललिता जी क्या बनाएंगे आप? आज हम बनाएंगे अंजीर बादाम हलवा। और आप? हम बनाएंगे पूरन पोली। हमको नहीं आती बनाने। बना लेंगे आपको सब आता है। पूरन पोली। वाह, आज तक हमने खलनायकों का जलवा ही देखा है, आज इनकी पूरन पोली और हलवा भी देखेंगे। बनाना शुरू करने से पहले हाँ। हम खेलेंगे दम लगाओ समय पाओ। जो परिवार इस चैलेंज में लगाएगा दम वो जीतेगा एक्स्ट्रा 2.5 मिनट। अगर ये चैलेंज आप जीत गए तो 2.5 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब आप ऑपोजिट टीम से 2.5 मिनट पहले पकाना शुरू करेंगे। साथियों दम लगाओ समय पाओ का सेटअप ले आए। तो चलिए फटाफट आपको इस गेम के बारे में बता दूं कि इस गेम में दोनों टीम से एक एक सदस्य को आमने सामने खड़े रहना है, ठीक है? और मैं जो शरीर के अंग का नाम लूंगा, ठीक है, आपको वो अंग छूना है। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों ऐसे, एक यहां खड़ा है एक वहां खड़ा है, ओके, आप ऐसे रेडी पोजीशन में के लेकर के भी भागेंगे। मैं कहूंगा नाक, आपको नाक को हाथ लगाना है, टांग, दोनों हाथ से, कान, टांग, गुड़, तो गुड़ लेके आप भागोगे और आपको ये लाइन क्लियर करना है। अगर आपने लाइन क्लियर नहीं किया और आपकी ऑपोजिट टीम के साथी ने आपको यहां टच कर लिया तो आप आउट हो गए, वो पॉइंट उनको मिलेगा। तो इस टीम से गौरी जी आप आ जाइए और यहां से मोहिनी जी आप आ जाइए। शुरू करते हैं। टांग, कंधे, घुटने, बाल, आंखें, होंठ, कुनी, पैर, गुड़। अब ललिता एंड रामबा, ठीक है? हां जी। कान, कंधे, घुटने, आंखें, बाल, होंठ, कोनी, पैर, आंख, पैर, कान, कोनी, होंठ, कंधे, घुटने, बाल, आंख, पैर, गुड़। पहला राउंड मोहिनी जीती,
सेकंड राउंड ललिता और ये डिसाइडर, राउंड डिसाइडर है, ये डिसाइड करेगा कौन सी टीम ये राउंड जीती। 1 2 3 गुड। अरे हिरने की तरह गई भाई, कितना तेज ये तो क्या रिएक्शन था, पता ही ना चले कब उड़ गया। गौरी जी और ललिता जी बधाई हो, 2.5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए आपको, सो कुकिंग शुरू कर दीजिए 2.5 मिनट पहले। 3 2 1 स्टार्ट। अच्छा ये बताइए आप बना क्या रहे? अंजीर का हलवा। अरे हाँ, अंजीर बादाम का हलवा, सही है। तो इसकी सामग्री क्या है? घी, बादाम, मिल्क पाउडर, अंजीर, हनी और इलायची पाउडर। इलायची पाउडर। और इसकी विधि? विधि ये है कि पहले घी गरम होगा, घी गरम, घी गरम, उसके बाद बादाम डालेंगे, फिर दूध का पाउडर डालेंगे, फिर अंजीर जो हमने क्रश करके रखा है वो डालेंगे, हनी डालेंगे और थोड़ा इलायची, और उसमें पानी डाल के उसको भूनते रहेंगे और आपको खुशबू आएगी। Yes. क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या कह रहा था मोहिनी जी और अम्मा जी, हाँ जी, 2.5 मिनट नहीं है आपके पास, आओ हम लोग चिड़िया उड़ो, तोता उड़ो, चिड़िया उड़ो, आइए चिड़िया उड़, मैना उड़, कुत्ता उड़, वाह, गाड़ी उड़, एरोप्लेन उड़, मक्खी उड़, मच्छर, कॉकरोच, घड़ी, समय उड़, समय उड़ चुका है, उड़ गया समय, उड़ गया और हमें पता भी नहीं चला कि जो 2.5 मिनट कम थे 4.5 मिनट कम हो गए आपके। यू कैन स्टार्ट नाउ। अच्छा उससे पहले मुझे सामग्री तो बता दीजिए। सामग्री हम क्योंकि पूरन पोली बना रहे हैं तो हमारे पास घी है, हमारे पास आटा है, हमारे पास गुड़ है, इलायची पाउडर है और ये चने की दाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मैदा, मैदा मतलब ये आटा है। और इसकी विधि? पहले हम घी डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर चने की दाल डालेंगे, फिर हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे, फिर थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए मैदा डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे स्वाद अनुसार, नहीं कलर अनुसार। उसके बाद अच्छे से पकाएंगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर हम आटा गूंदेंगे, तो उसके बाद हम इसका आटा बना, डो बना लेंगे, देन उसके बाद जैसे आलू के पराठे में स्टफिंग करते हैं वैसे गुड़ को उसमें स्टफ कर लेंगे। तो आटे के अंदर हम लोग हल्दी डालेंगे सो दैट वो जो पूरन पोली का पीलापन रहता है ना वो कलर आ जाएगा। ओके खुशबू आ रही है ना अच्छी। क्या बात है गौरी, क्या बात है, मैं सच्ची कह रहा हूँ इस हलवे से ना ऐसी खुशबू आ रही है, क्या बताऊँ, बचपन से ना मुझे ना ये हलवा बहुत पसंद है। ऐसा हलवा बनाकर खिलाएंगे ना आपको कि आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। पर एक बात है, मैं चीनी थोड़ा सा मैं कम खाता हूँ तो मैं ये हलवा नहीं खा पाऊंगा, मतलब मैं चीनी एक्चुअली खाता ही नहीं। अरे अरे अरे, किसने कहा कि हम इसमें चीनी डालने वाले? ये बादाम और अंजीर का जो हलवा है ना हम बिना चीनी के बनाने वाले हैं। तो फीका हलवा कौन खाएगा? अरे वही खाएगा जिसे अपनी सेहत की चिंता है लेकिन उसे स्वाद में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं चाहिए। इस अंजीर बादाम के हलवे में हम चीनी की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं डाबर हनी। ये देखिए अभी आपके सामने डालते हैं और अब क्या है ना कि अगर आप चीनी की जगह डाबर हनी का इस्तेमाल करते हैं अब आप सब अपने मनपसंद डेजर्ट्स खा सकते हैं वो भी बिना किसी चिंता के क्योंकि अब आ गया है डाबर हनी जिसकी वजह से आपको अपनी सेहत की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको रखता है स्वस्थ और तंदुरुस्त। क्या बात है, मतलब खाने में मीठापन भी और साथ ही साथ तंदुरुस्ती भी। बिल्कुल, क्योंकि डाबर हनी है असली हनी। क्या आइडिया है मैडम जी। बिल्कुल, ऑल थैंक्स टू डाबर हनी। तो बस अभी जल्दी जल्दी बनाओ क्योंकि अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। हो गया अली, बन गया हमारा हलवा रेडी। हाँ। बस
हो गया, डन डन, बस थोड़ा सा पकाना और बाकी है। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बन गया हलवा, बन गया हलवा, बन गया, बन गया पूरा छोले। ओके अली भैया क्या हुआ? अली भैया मैं आपको ना बताऊं कि यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट है ना, ये सबके टीवी शोज देखते हैं और ये सबका बहुत बड़ा फैन है। तो आगे शर्मा क्यों रहा है? ये पता नहीं क्यों शर्मा रहा है। इधर आओ, हमें बताओ आपको क्या चाहिए। कम इधर आओ। वैसे मैं आप सारों का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपसे कब से मिलना चाहता था और मेरा ये सपना था कि मैं आपके संग एक दिन डांस करूं। हेलो, मैं या ये आप चारों सब? ओ ये चार। दोनों टीमों ने खाना तैयार कर लिया है, तो प्लेटिंग शुरू करते हैं। काउंटडाउन बिगिंस। 3, 2, 1। टाइम अप। तो जी दोनों टीम्स ने अपनी अपनी डिश तैयार कर ली है और जजेस भी तैयार हैं टेस्टिंग के लिए। तो हम शुरू करते हैं मोहिनी और रंबा से। जज सुमंश, प्लीज डू द ऑनर्स। कोई नहीं सोता दादू के साथ जब वो खाते हैं गैस की गोली। मुझे बहुत पसंद आई है आपकी पूरन पोली। अब आते हैं, अब कुरांगी जी। वो बेटर हो सकता था, मीठा कम है बट अच्छा है। थैंक यू। वाह, काश अच्छा होता। चलिए गाड़ी निकालो। नागमणि टीम की टेस्टिंग हो चुकी है, अब बारी है नथ की। जज सुमांश आपसे शुरू करें। अरे हम अपने हाथों से खिलाएंगे सुमांश को। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अरे मेरे लाल। Amazing. Oh yes. Come on, baby. याद रखना, जो हमारे काम वैसे नहीं करता जैसे हम चाहते, हम उसके साथ बहुत बुरा करते हैं। पप्पी, मैं दूँ इधर। जन्नत। देखते हैं किसे मिलता है दिल का लड्डू। शुरू करेंगे जज सुमांश, बताइए। सो मेरे दिल का लड्डू जाता है मोहिनी और रंबा दीदी को। और आप अली भैया बताओ। हाँ?
अभी क्या हुआ, क्या हुआ? वन वन हुआ ना? हाँ. अभी बच्ची है, ईमानदार बच्ची है, बच्ची में भगवान है, इनोसेंस है. हाँ. जिसको भी देगी वो टीम जीतेगा. कुरांशी तुम्हें बता दो किसको. कुरांशी प्लीज. अभी कुरांशी बोलती तो नहीं देगी. कुरांशी नहीं 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 कुरांशी कुरांशी किसे दोगी? ना नहीं बराबर से नहीं प्रोनाउंस कर सकती हो. कुरांशी 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 क्या हो गया था बेटा? कुछ नहीं अली भैया, वो क्या है ना, मैं आप दोनों का ही खाना इतना टेस्टी बना है तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी. अरे और आप दोनों इतने ज्यादा प्रेशर कर रहे थे तो मैं. तो तू नाटक कर रही थी? हाँ. और मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने एक को जिता दिया तो दूसरे मुझे परेशान कर देंगे. अरे तो बात तो सही है. तो उनको भी बुरा लग जाएगा ना. कुरांकी बेटा एक बात ना हमेशा याद रखना, कभी ना डर से कोई काम नहीं करना चाहिए. आपके दिल को जो अच्छा लगे, जो सही लगे, जो भाई, हमेशा वही करो हिम्मत से. और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल वही करो जो आपको ठीक लगे. आपको जिसको अपने दिल का लड्डू देना ना आप दो, हमें से कोई आपको कुछ नहीं कहेगा और कोई बुरा नहीं मानेगा, पक्का. सो मेरे दिल का लड्डू लड्डू जाता है. गौरी दीदी और ललिता. की किचन की जंग में स्वाद के सम्राट का खिताब जीता है गौरी और ललिता टीम ने. इनको मिलती है किचन की जंग की चमचमाती ट्रॉफी और दोनों टीम्स को मिलता है कैच की तरफ से गिफ्ट हैम्पर. तो जी लेते हैं आपसे विदा, अगले रविवार फिर से मिलेंगे दंगल परिवार के नए रिश्तों के साथ, नए नए व्यंजन और मनोरंजन का चखेंगे स्वाद यही ऑन डाबर आंवला हेयर ऑयल प्रेजेंस किचन की जंग दंगल फैमिली के संग. को पावर्ड बाय कैच मसाले, एसोसिएट स्पॉन्सर डाबर और इंडोर. दंगल फैमिली के संग.